नमस्कार साथियों, सी एस टी ए लॉन्च पैड चैनल में आप लोगों का स्वागत है। जैसे कि अपना कंपटीशन का वेल्डर ट्रेड की क्लासेस चल रही है, ठीक है। आज का अपना एम सी क्यू का क्लास है, पांचवा नंबर का क्लास है। दो क्लासेस इसी लेसन का थेरी का है, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आप लोगों को। सबसे पहले अगर इस क्लास में अगर आप लोग उपस्थित होते हैं तो आपको पहला नंबर दूसरा नंबर क्लास देखना इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि वहाँ पर मैंने थेरेटिकल पूरा समझाया है, तो आप लोगों को वहाँ से बेसिक नॉलेज पूरा आप लोगों का क्लियर हो जाएगा। उसके बाद एमसीक्यू लगाने में आपको आसान हो जाएगा, ठीक है। एमसीक्यू लगाना भी कोई यहाँ पे भी आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी आप लोगों का जो थेरी का क्लासेस करना जरूरी होता है, ठीक है। आज का अपना एमसीक्यू का तीसरा क्लासेस है और थेरेटिकल पकड़ के अपना आज का पाँचवा क्लासेस है, ठीक है। तो इस तरह से आज का अपन पाँचवें क्लासेस का पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का अपना पहला क्वेश्चन है, गैस वेल्डिंग में फ्लेम उत्पन्न होती है, ठीक है। गैस वेल्डिंग जो होती है जिसमें हमारा C2 और H2 और जिसको एसिटिलीन बोलते हैं, ठीक है, और O2, ठीक है, जो जिसको हम ऑक्सीजन कहते हैं, ठीक है, ऑक्सीजन कहते हैं, और इनका कलर होता है सिलेंडर का मैरून और इसका काला, ठीक है। ये जो है इसमें गैस वेल्डिंग फ्लेम उत्पन्न होती है, गैस वेल्डिंग फ्लेम बोल रहा था, ठीक है। तो गैस वेल्डिंग फ्लेम कब कब होगी? ऑक्सीजन द्वारा होगी और एसिटिलीन द्वारा होगी। ऑक्सीजन क्या करेगी? जलने में सहायता करेगी और एसिटिलीन हमारी ज्वलनशील गैस है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, कब सहायता होगी? इसका सही आंसर होगा डी। क्या होगा? ए और बी जब दोनों मिलेंगे तब हमारा सही आंसर होगा इसका डी, ठीक है। इसका अगर कुछ बच्चे को इसके बारे में थेरेटिकल अगर लिखना है या पढ़ना है, नॉलेज करना है, तो हमने इसके थेरी भी लगा के रखा है यहाँ पे, ठीक है। ये आप लोगों को क्या करना है, पॉज करके या जैसे भी आप लोगों का सूटेबल होता है आप इसको पढ़ सकते हो, और इसको अगर लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, ठीक है। अब इस स्पीड से अपने को थोड़ा सा यहाँ पर आप लोगों को करना है, मैं इसको रोकूँगा नहीं, हम आगे की ओर पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि अपने को ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करना है कम समय में। ऑक्सी एसिटिलीन, ठीक है, ऑक्सीजन और एसिटिलीन को अलग अलग अनुपात में मिलाने पर अलग अलग तरह की आग प्रभावित होती है। जैसे कि मैंने बताया था आप लोगों को न्यूट्रल फ्लेम, ऑक्सीराइजिंग फ्लेम, कार्बोराइजिंग फ्लेम, उसमें क्या करते हैं अलग अलग, यानी कि जो गैसेस है अलग अलग अनुपात में मिलाते हैं, तो उसमें क्या होता है अलग अलग प्रकार के फ्लेम तैयार होती है, ठीक है। अगर इन दोनों गैसों को बराबर अनुपात में मिलाया जाए, क्या बोल रहा है, इक्वल, जैसे एक और एक के अनुपात में मिलाया जाए तो किस प्रकार की आग उत्पन्न होगी? तो ये आप लोगों को तो एकदम दना, जो पहला दूसरा तीसरा चौथा जो क्लास किए होंगे उनको तो 100% आंसर पता हो गया होगा, ठीक है। नहीं भी पता होगा तो आपको बता दूँ ये क्या है, जो हमारा न्यूट्रल जो फ्लेम होता है ये क्या होता है, सामान्य गैस होती है, ठीक है। इसमें वेल्डिंग की भी जा सकती है और कटिंग भी की जा सकती है, ठीक है। इसका सेल्सियस होता है 3200 सेल्सियस होता है टेम्परेचर, ठीक है। और 32, देखो मैंने अगर 3200 लिखा है तो आप लोग 3200 नहीं, देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, 3100 3150 से लेके अगर आपको 3290 तक का टेम्परेचर दिया हुआ इस बीच में, तो आपका न्यूट्रली फ्लेमिंग में मान्य होगा, क्योंकि किस में कैसा फ्लेम के अनुसार कम ज़्यादा थोड़ी बहुत होती है, ठीक है। तो आप लोग इतना ही मानना, ठीक है। ऑक्सीराइजिंग का कितना होता है, 3100 होता है। और ऑक्सीराइजिंग में देखो, अभी यहाँ पे मैं समझा देता हूँ आप लोगों को, उसके बाद थेरी आप लोगों की इच्छा है, पढ़ना हो तो पढ़ो, नहीं तो आगे आप लोग लिख के उसको यहाँ पे समझा देता हूँ, ठीक है। ऑक्सीराइजिंग में कितना होता है, 2 होता है ऑक्सीजन और 1 होता है एसिटिलीन, ठीक है, C2H2, ठीक है, ये हो गया, ठीक है, ऑक्सीजन, ठीक है, ये हो गया ऑक्सीराइजिंग, इसका होता है 3100 फ्लेम होता है, ठीक है। और कार्बोराइजिंग में क्या होता है, 2 C2H2 और 1 एसिटिलीन, ठीक है। अब ये सिलेंडर का नहीं, अनुपात बता रहा हूँ, ठीक है, यानी कि उसमें जो ऐसे बोल रहा ना, सामान्य अलग अलग अनुपात लेकिन अलग अलग प्राप्त, यहाँ पर क्या बोल रहा, बराबर बोल रहा ना, अनुपात बराबर अनुपात, ये सॉरी एक मिनट, ये जो बोल रहा है ना बराबर अनुपात, तो हमारा बराबर अनुपात क्या हुआ, 1 और 1, अगर 1 लीटर हम यानी कि एसिटिलीन लेते हैं और 1 लीटर ऑक्सीजन लेते हैं तो हमारा क्या होगा, बराबर अनुपात, वैसे ही यहाँ पे। तो इसका होता है 3300 सेल्सियस कार्बोराइजिंग में, ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। इसका सही आंसर क्या हुआ, न्यूट्रल फ्लेम बराबर अनुपात में था, तो ये हमारा उसके बारे में कुछ डिटेल्स दिया, जैसे 1 लीटर C2H2 और 1 लीटर ऑक्सीजन किसका है, न्यूट्रल फ्लेम का है, ठीक है, ये देखो न्यूट्रल फ्लेम, ठीक है।
आप लोगों को ये पढ़ना है, नोट करना है तो नोट करना है, ठीक है। आगे हाँ आंसर आप लोगों को थियोरेटिकल में लगा दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी गैस निष्क्रिय गैस है? निष्क्रिय गैस, ठीक है। निष्क्रिय गैस कौन सी है? हीलियम है, ठीक है, हीलियम है। बाकी क्या है ये सब गैस कैसे निष्क्रिय अनिष्क्रिय है, ठीक है, ठीक है। अभी देखो इसका जो थ्योरेटिकल है आप लोगों को लगा दिया गया है, यहाँ पे आप लोग पढ़ लेना है। इसके बारे में आप लोगों को थोड़ा सा पढ़ के बता देता हूँ, ठीक है। निम्न में से हीलियम निष्क्रिय गैस है, इनर्ट गैस भी कहा जाता है इसको, ठीक है, ये भी ध्यान में रखना है आपको। इनर्ट गैस अगर क्वेश्चन पूछता है तो ये भी रखना है। इसका उपयोग भी वेल्डिंग करते समय शील्ड माध्यम में लिया जाता है, ठीक है। इसका क्वथनांक इतना फेरनहाइट होता है, ठीक है, सेल्सियस न देते हुए फेरनहाइट में दिया गया है। इसकी उसमें सचलता अधिक होती है, इसकी जो टेम्परेचर होती है अधिक होती है। इसमें विद्युत आर्क चौड़ी होती है और इसका प्रयोग पेनिट्रेशन कम होता है, इससे इसका प्रयोग से पेनिट्रेशन कम होता है, ठीक है, क्लियर हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाँ अभी पूछ रहा है दिखाई गई गैस कटिंग में निर्देशक उपयोग होती है, ठीक है, गैस कटिंग में निर्देशक उपयोग क्या होती है, ठीक है। ये जो कटिंग है इसका क्या है? स्ट्रेट लाइन गैस कटिंग के लिए जो ये जो है ना, ये जो दिखाया जा रहा है ये है ना कटिंग के लिए पूछ रहा है, ठीक है। इसका उपयोग यानी गैस कटिंग, ये जो है यहाँ पे आप लोग दिख रहा है ऑक्सीजन लीवर है तो क्या है? गैस कटिंग। तो स्ट्रेट लाइन गैस कटिंग के लिए, कटिंग गैस, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसका ये दिखा दिया गया आपको कुछ आंसर, ये आप लोग पढ़ लेना है बाद में पॉज करके, ठीक है। ये बता रहा है चित्र में ज्वाला दर्शाती है, ये ज्वाला जो है कौन सी दर्शाती है? इसके पहले वाले क्लास में भी मैं आप लोगों को ऐसे ही बता चुका हूँ ज्वाला का प्रकार, ये 1, 2, 3 लेयर में है। तो ये देखो टू लेयर में तो कौन सी है? ऑक्सी एसिटिलीन का समान रूप में जलना है, ठीक है, ऑक्सी एसिटिलीन गैस का ये ज्वाला है, ठीक है। ये इसके ऊपर भी डिपेंड होता है, सबसे इसको बोलते हैं टिप बोलते हैं, इसे बाहरी ज्वाला बोलते हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा टेम्परेचर कहाँ होता है? टिप में होती है, ठीक है। नेक्स्ट इसका आंसर, सही आंसर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बारे में यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा सा बता देता हूँ, ठीक है। वो ये क्या है? ऑक्सी एसिटिलीन ज्वाला, जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा अधिक है और एसिटिलीन की मात्रा कम है, ठीक है। ये उदासीन फ्लेम एसिटिलीन C2H2, ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। ऑक्सीजन का O2 ध्यान में रखना है, लगभग बराबर मात्रा में एसिटिलीन टॉर्च में मिलाई जाती है, ठीक है, ठीक है। और इसके बाद उदासीन फ्लेम में तापक्रम इतना होता है, ठीक है। इसका रंग भीतरी कोण के रंग से अधिक होता है, डार्क होता है, ठीक है। ये जो है ये इसका इसके बारे में बात कर रहा है ये हो, ठीक है। समान रूप में ये देखो ये क्या आंसर? ऑक्सी एसिटिलीन का समान रूप से जलना, तो मतलब क्या है? ये न्यूट्रल फ्लेम है, न्यूट्रल, ठीक है, ऑक्सीराइजिंग नहीं है। ऑक्सीजन का इसका ज़्यादा जलना ये ऑक्सीराइजिंग है, एसिटिलीन का ज़्यादा जलना ये ऑक्सीराइजिंग, ये कार्बोराइजिंग है, सॉरी क्या है? ये ऑक्सीराइजिंग है ये, और यह है कार्बोराइजिंग है। क्या है? कार्बोराइजिंग है, ठीक है। केवल एसिटिलीन वायु में जलना ये ऑप्शन नहीं हो सकता, वायु में एसिटिलीन नहीं जलेगा, ऑक्सीजन में जलेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब ऑक्सी एसिटिलीन स्टेटअप को बंद करना हो तो निम्न में से कार्य किया जाएगा? अभी देखो यहाँ पे ये लिखाना है, ठीक है। तो हमारा सही आंसर क्या है? बी, टॉर्च पर एसिटिलीन वाल्व को बंद करें फिर ऑक्सीजन वाल्व को बंद करें। हमारा सही आंसर क्या होगा? पहले एसिटिलीन को बंद करें फिर ऑक्सीजन को बंद करें, ठीक है। ऑक्सीजन क्या है? ठंडी गैस है, जो ज्वलनशील गैस नहीं है। जब ऑक्सीजन एसिटिलीन बंद कर देंगे तो उसमें से जितने भी गैसेस रहेंगे वो निकल जाएगी और ऑक्सीजन के पूरा क्लियर कर देगा, ठीक है। तो इसमें हमारा सही आंसर क्या हो रहा है? बी। देखो अभी यहाँ से हमको लगाना है कि कैसे इसको सेटअप करना है, ठीक है। यहाँ हमारा आंसर है, क्या है? यहाँ बी। पहले क्या करना है? ये करना है, फिर दूसरे नंबर पे सिलेंडर को बंद करना है, फिर चौथे नंबर पे जो दिया गया है ये तीसरे नंबर पे काम करना है। टॉर्च वाल को दोबारा खोले और लाइन को चलने दे, इससे क्या होगा? जो भी अंदर जो पाइप में जो गैसेस है वो हमारी बाहर हो जाएगी, ठीक है। सिलेंडर वाल बंद करने के बाद जो पाइप में जो गैसेस रहती है उसको भी हमें क्या करना है? बाहर करना है। फिर तीसरे नंबर का लाइन दाब को वेल्ड छोड़ दे, ठीक है। उसके बाद हमें लाइन दाब को वेल्ड को छोड़ देना है, आगे बढ़ जाना है। इसका ये यहाँ पे सिक्वेंस दे दिया गया है, ये आपको लोगों को पढ़ लेना है, ठीक है। एक बार नोट करना है तो नोट करते जाना है पॉज करके। एक बार पहले वीडियो पूरा देखना है आप लोगों को, कंटिन्यू में देख लेना है, ठीक है। जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, यही चीज़ें समझा रहा हूँ, उसके बाद आप लोगों को लगता है कि ये क्वेश्चन को हमें नोट करना चाहिए, क्वेश्चन हमें कहीं नहीं मिलेगा, तो उसके बाद आप लोगों को पॉज करके इसके आंसर को भी नोट करते जाना है, जो जो आंसर आपका नहीं आता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन स्टील की वेल्डिंग ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम को लंबे फीदर युक्त आंतरिक कोण का कौन सा प्रयोग कर वेल्ड किया जाता है, इसका क्या प्रभाव होगा? क्या होगा? वेल्ड मजबूत और ब्रिटल
ब्रिटल होगा, क्या होगा, वेल्ड मजबूत होगा और ब्रिटल होगा, ठीक है। इसके बारे में यहाँ पे पढ़ लो, कार्बन स्टील की वेल्डिंग ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम है, ठीक है, कार्बन स्टील की वेल्डिंग ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम है, लंबे फीदर युक्त आंतरिक कोण का प्रयोग कर वेल्डिंग किया जाता है, इससे वेल्ड मजबूत होता है, ठीक है। ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम जो हमारा न्यूट्रल फ्लेम होता है उस होता है, तो उसकी बात कर रहा है, कहता है कार्बन स्टील के लिए परफेक्ट होता है, ठीक है। नेक्स्ट के लिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभिन्न धातुओं के लिए प्रयुक्त होने के लिए निम्न में से कौन सी सही फ्लेम है, विभिन्न धातुओं के लिए कौन सी है भैया, न्यूट्रल फ्लेम, ये क्या है, हर जगह सुटेबल है, क्या है ये, हर जगह सुटेबल है, न्यूट्रल फ्लेम जिसमें मात्रा क्या होती है, समान अनुपात में एक C2H2 और एक लीटर ऑक्सीजन, ठीक है, ये समान, ये सभी के लिए फ्लेम के लिए ये अच्छी होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ये हमारा न्यूट्रल फ्लेम है, देख रहे हो, एक ये था और ये हमारा, ये आप लोग के यहाँ पे इससे पहले भी बता दिया गया है, इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। ये फ्लेम की प्रकार है, दो ही इसमें लेयर होती है न्यूट्रल फ्लेम का, और ये सामान्य होती है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ऑक्सी एसिटिलीन कटिंग द्वारा निर्मित कट की चौड़ाई कहलाती है, क्या कहलाती है भैया, कर्व कहलाती है, क्या कहलाती है, कर्व कहलाती है। अब ये कर्व कहलाती क्या है, यहाँ पे देखो, ऑक्सी एसिटिलीन कटिंग द्वारा निर्मित कट की चौड़ाई कर्व कहलाती है, ठीक है। ऑक्सी एसिटिलीन की जो कटिंग होती है उसकी जो निर्मित चौड़ाई होती है उसको क्या कहते हैं, कर्व कहते हैं। ये सब जितने भी वर्ड्स आपको नए नए मिल रहे हैं ये कॉम्पिटिशन वालों के लिए ही है, और ये वर्ड्स को आप लोगों को ध्यान में रखना है और लिखते जाना है, ठीक है, एक जगह, क्योंकि इसको क्या करना है, एग्जाम से पहले आप लोगों को ये सभी वर्ड्स को एक बार दो बार रिपीट करके जाना है, ठीक है, कन्फ्यूजन ना हो। इस कर्व पर ऑक्सीजन के तेज प्रभाव से इसका ऑक्सीकरण अधिक तीव्रता से होती है, ठीक है, जो कट होती है उससे ऑक्सीजन के जो अपन कटिंग के समय ऑक्सीजन लेवर दबाते हैं उससे प्रभाव से ये कट होती है, ठीक है। एक तीव्र दाब के प्रभाव से यह पिघला कर्व बाहर जाता है, जब हम ऑक्सीजन लीवर को दबाते हैं तो जो पिघला जो कर्व है, जो लिक्विड अवस्था में मेटल है, वो क्या होती है, बाहर की ओर ढकेल के उसको हम अनेक बाहर कर देते हैं, जिससे हमारी कटिंग होती है, ठीक है। जैसे धातु के कार्यखंड में छिद्र या प्लेट का भाग का अलग हो जाता है, ठीक है, वही कटिंग की बात कर रहा है जो मैंने आपको पहले समझा दिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, इसका आंसर आप लोग पता चल गया है, कर्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ऑक्सी एसिटिलीन टॉर्च को काट सकती है, ऑक्सी एसिटिलीन टॉर्च किसको काट सकती है भैया, किसको काट सकती है, कार्बन स्टील को, किसको, कार्बन स्टील को काट सकती है, ठीक है, ऑक्सी एसिटिलीन टॉर्च, ठीक है। न्यूट्रल फिल्म जो है ऑक्सीराइजिंग, ये स्टेनलेस स्टील और एल्यूमिनियम के लिए अलग अलग, ये किसकी बात कर रहा है, न्यूट्रल फिल्म की बात कर रहा है, ठीक है, ठीक है। ये देखो यहाँ पे कहाँ है गया, देखो, ऑक्सी एसिटिलीन टॉर्च के द्वारा कार्बन स्टील को काटा जा सकता है, ऑक्सी एसिटिलीन टॉर्च को कतरन के दौरान ऑक्सीजन के नियंत्रण हेतु लीवर को लगाया जाता है, जो लीवर है उसमें जो उसको जो ऑक्सीजन लीवर जो है, जहाँ ऑक्सीजन लीवर मिल गया वो कटिंग टॉर्च है, ठीक है। आप लोग के देखने में इसका नोजल शरीर बॉडी 90 से कोण से मुड़ा होता है, जो इसका जो नोजल होता है, जो ये जो होता है ना नोजल, जहाँ से फ्लेम निकलेगी, ठीक है, जो वाला नॉर्मली बना के दिखाया जा रहा है आप लोगों को, ये कटिंग टॉर्च, इसमें एक ऑक्सीजन लीवर होगा, यहाँ पे दो फ्लेम के अपने ऑक्सी और यहाँ पे ऑक्सी ऑक्सीजन और एसिटिलीन का कंट्रोलिंग रहेगा, यहाँ पे पाइप रहेगा, ठीक है, अपने गैस सिलेंडर का पाइप जुड़ा रहेगा, ठीक है। इसको बोलते हैं, एक मिनट आप लोगों को पूरा परफेक्टली बना ही देते हैं समझने के लिए, ठीक है, ये हो गया आपका नोजल और यहाँ से फ्लेम निकलेगा, ठीक है, ये हो गया कटिंग टॉर्च, इसको बोलते हैं ऑक्सीजन, जहाँ लीवर दिख गया ये हो गया कटिंग टॉर्च, ये ऑक्सीजन लीवर है, ठीक है, O2 लीवर रहता है अलग से, ठीक है, ये कटिंग टॉर्च है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, इसका आंसर आप लोगों को बता दिया गया, कार्बन स्टील। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम के आंतरिक ईंधन गैस है, किस ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम के आंतरिक ईंधन गैस है, क्या है, कार्बोराइजिंग है, ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम के आंतरिक ईंधन, ठीक है, उसमें ईंधन की मात्रा ज़्यादा है इसलिए कार्बोराइजिंग फ्लेम, ठीक है। ये कार्बोराइजिंग फ्लेम के बारे में कुछ डिटेल्स दिया हुआ है, आप लोगों को पढ़ लेना है, अगर नहीं तो आप लोगों को कार्बोराइजिंग फ्लेम के बारे में मैं जैसे समझाया हो तो समझ में आ गया होगा, तो इसको आगे और चलते जाना है, ठीक है। ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम में सेकेंडरी कम्बशन कहाँ घटित होती है, सेकेंडरी कम्बिनेशन कहाँ घटित होती है, कहाँ घटित होती है, फ्लेम के बाहरी इनलॉक में, कहाँ होती है, फ्लेम के बाहरी इनलॉक में। अब ये घटित क्या होती है, देखो यहाँ पे आप लोग पढ़िए, ठीक है।
ऑक्सीस्टेन फ्लेम में सेकेंडरी कम्बिक्शन फ्लेम के बाह्य एनलोप में घटित होता है। ऑक्सीस्टेन फ्लेम में ऑक्सीजन O2 तथा एस्टेन C2H2, ये आप लोग इसलिए बार बार रट्टा मरवाया जा रहा कि ये आप लोग का परफेक्ट ही हो जाए, ठीक है, जो ऑक्सीजन और एस्टेन का फार्मूला। गैस के अनुपात में आधारित निर्भर तीन वर्गों में विभाजित किया जाता है, मैं आप लोग बता चुका हूँ, न्यूट्रल फ्लेम, कार्बोनाइजिंग, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम, ठीक है, ये हमारे फ्लेम का घटक है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विभिन्न प्रकार की धातुओं के गैस वेल्डिंग के लिए विभिन्न प्रकार की फ्लेम का प्रयोग किया जाता है। स्टील पाइप के लिंडे वेल्डिंग के लिए किस का ऑक्सीस्टेन फ्लेम का उपयोग फ्लेम प्रयुक्त होता है, ठीक है, कौन सा होता है, कार्बोनाइजिंग। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, गैस वेल्डिंग, ठीक है, गैस वेल्डिंग हो गया, विभिन्न प्रकार के फ्लेम का प्रयोग, विभिन्न प्रकार, कार्बोनाइजिंग, न्यूट्रल और ऑक्सीडाइजिंग, ठीक है, वो हो गया। लिंडे वेल्डिंग के लिए किस प्रकार का ऑक्सीस्टेन फ्लेम का उपयोग किया जाता है, किस में, स्टील पाइप, हो गया, स्टील पाइप के लिए कार्बोनाइजिंग फ्लेम, ठीक है, ये इसके बारे में आपको बताया दिया गया है, कुछ अलग नहीं है इसमें, जो चीज़ें मैं आपको बताया वही चीज़ लिखा गया है। ठीक है, तो जिसको नोट करना है, जो पहले कभी क्लासेस नहीं कोई किया है और उसको क्लासेस किया भी तो बहुत दिन हो गए, तो उसके लिए ये सब चीज़ें मैं लगा दिया हूँ, आप लोगों को नोट करते जाना, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सी ऑक्सीस्टेन फ्लेम एक धूम्र गैस की अधिकता से उत्पन्न होती है, कौन सी होती है भैया, कार्बोनाइजिंग, कौन सी होती है, देखो ऑक्सीस्टेन गैस फ्लेम एक धूम्र गैस से अधिकता उससे उत्पन्न होती है, कार्बोनाइजिंग, जिसमें क्या होता है, C2H2 अधिक मात्रा में होती है। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या बता रहा है, कुछ खास नहीं है, कार्बोनाइजिंग, ऑक्सीस्टेन, वही जो चीज़ें बताया, धूम्र गैस की अधिकता उत्पन्न करती है, इनर कोन, इंटर कोन, आउटलेट कोन, इसमें क्या होता है, तीन लेयर की कोन होती है। ठीक है, ऐसे हमारा फ्लेम तैयार होगा नोजल से, ये तीन लेयर की कोन होती है और इसमें कुछ भी नहीं, आप लोगों को इसका वीडियो पहले वाले क्लास में अच्छी तरह से समझा चुका था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फ्लेम कटिंग की प्रारंभिक बिंदु पहले से गर्म किया जाना चाहिए, किस सेल्सियस पे गर्म करना चाहिए, फ्लेम कटिंग जहाँ पर हम कटिंग करना है उसको किस कितने डिग्री से, 900 सेल्सियस से, ठीक है, 900 सेल्सियस से आपको गर्म, ये कटिंग स्टार्ट हो जाएगी, कुछ कुछ चीज़ें जो है मेटल है वहाँ से कटिंग 1500 सेल्सियस से स्टार्ट हो जाएगा, 250 सेल्सियस पे कुछ नहीं होगा और 300 सेल्सियस पे कुछ नहीं होगा, जो कटिंग वाली जो होती है जगह वेल्डिंग के लिए भी नहीं है, ये प्लास्टिक वगैरह के लिए ठीक है, परफेक्ट है, ठीक है, लेकिन हमारे कटिंग के लिए यहाँ पे 900 यानी कि जो प्री हीटिंग बोल रहा है ना, गर्म क्या बोल रहा है, गर्म किया जाना चाहिए, प्री हीटिंग, तो 900 सेल्सियस पे हमें करना चाहिए। ठीक है, चलो यहाँ पे आप लोग देख लो, ये भी वही चीज़ें लिखा है आप लोगों को, ये एक बार आप लोगों का काम है, पॉज करके इसको पढ़ लेना सब, ठीक है, टाइम को देखते हुए हमें फास्ट भागना है क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा हैं। वातावरण में किस गैस की मात्रा सर्वाधिक प्रतिशत है, वातावरण में सबसे ज़्यादा कौन सी है भैया, नाइट्रोजन गैस है, जैसे हमारे वातावरण में अभी जो वातावरण में बैठे हैं, पढ़ रहे हैं, ठीक है, वीडियो देख रहे हैं, इस वातावरण में कौन सी गैस सबसे ज़्यादा है, नाइट्रोजन गैस ज़्यादा है, जो कि 78% तक रहती, 72% रहती है और ऑक्सीजन रहती है, ऐसे करके सभी इसमें कुछ गैसेज जो रहती है वो मिश्रित गैसेस रहती है, तो हमें ऑक्सीजन नहीं, नाइट्रोजन गैस सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं। देखो नाइट्रोजन कितनी 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 रहती है, यहाँ पे 78% नाइट्रोजन रहती है, 21% मतलब एवरेज 21% हमारे ऑक्सीजन रहती है, बाकी जो गैसेस है, ठीक है, ये आप लोगों को पूछता है, और ख़ास करके ये कार्बन डाइऑक्साइड का, ये आप लोगों को ध्यान में रखना है, ये क्वेश्चन बार बार आपसे पूछा जाएगा, हर एक कंपटीशन के पेपर में एक क्वेश्चन ये तो रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी है हमारे वातावरण में, ये आपको ध्यान में रखना है, प्लस दूसरा ऑक्सीजन का ध्यान रखना, तीसरा ये, ठीक है, आर्गन की मात्रा बहुत कम चांसेस रहता है पूछने का। ठीक है, ऑक्सीजन और एस्टिलिन को मिश्रित कर विभिन्न प्रकार के ज्वाला सेट किए जाते हैं ठीक है, ऑक्सीजन और एस्टिलिन की मिश्रित कर, ठीक है, विभिन्न प्रकार के ऑक्सीजन और एस्टिलिन को की बराबर मात्रा में मिले उत्पन्न ज्वाला को क्या कहते हैं भैया, वो देखो क्या बोल रहा है, न्यूट्रल फ्लेम की बात कर रहा है, बराबर मात्रा आ गया, एक ही क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से चार बार पूछेगा, और ये यहाँ पे बस अपने का क्या चल रहा है, प्रीवियस क्वेश्चन चल रहे हैं, ये क्या है, प्रीवियस क्वेश्चन है, बार बार कौन से क्वेश्चन रिपीट हुए उस पर फोकस करना है, क्या है, उदासीन, न्यूट्रल फ्लेम का नाम क्या है, दूसरा उदासीन फ्लेम, ये आपको लोगों में पहले ही बता चुका था, ये सब वर्ड को नोट करते जाना है। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, उदासीन न्यूट्रल फ्लेम आ गया, ये न्यूट्रल फ्लेम, ठीक है, चलो एक लीटर दोनों समान अनुपात में ले लिया गया है,
चलो आगे बढ़ते हैं, इसमें ज़्यादा नहीं। और ये है C2H2, ये आप लोग बता चुका है, कुछ ज़्यादा इसमें नहीं है, ठीक है। एक कार्बोराइजिंग ज्वाला का विशेष लक्षण क्या है? एक कार्बोराइजिंग ज्वाला का विशेष लक्षण क्या है? ए आंसर, देखो दो आंतरिक कोण 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 ज्वाला तथा एक बाहरी कोण। एक कार्बोराइजिंग फ्लेम में क्या होता है? दो आंतरिक कोण। ये हमारा कार्बो, ये हो गया नोजल, ठीक है, ये हमारा नोजल, एक आंतरिक कोण हो गया, ये हो गया फर्स्ट नंबर का कोण, और एक बाहरी कोण, दो आंतरिक हो गए और एक बाहरी कोण, ये हमारा थर्ड नंबर का, ठीक है। दो हमारा आंतरिक कोण हो गए यहाँ पे, वन टू, ये थर्ड हो गया, ठीक है। ये है कार्बोराइजिंग फ्लेम का पहचान, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये यहाँ पे आप लोगों का फिर से वही चीज़ है, इसको रिपीट बार बार नहीं करना है, आप लोग एक बार अगर लगता है तो पढ़ लीजिए, नहीं तो जो चीज़ें मैं बता चुका वही है, ठीक है। निम्न में से कौन सा उदासीन ज्वाला का विशेष गुण होता है? ठीक है, उदासीन ज्वाला का विशेष गुण होता है, क्या होता है? यू डी है ना, ये देखो, यू आकार की आंतरिक कोण तथा एक बाहरी आवरण, ठीक है। किसका? उदासीन, न्यूट्रल फ्लेम की बात कर रहा है। न्यूट्रल फ्लेम कैसा होगा? ये हमारा टॉर्च हो गया, एक हो गया कोण, और ये हमारा, ठीक है, इसकी बात कर रहा है। तो ये हमारा त्रिभुज नहीं होगा, यू होगा, ठीक है। क्या होगा? त्रिभुज नहीं होगा, यू होगा। त्रिभुज कब होता है? वेल्डिंग में होता है। त्रिभुज कब होता है? वेल्डिंग में होता है, ठीक है। इसके कोण से हम वे फिलर रॉड को पिघलाते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका न्यूट्रल फिल्म का ताप टेम्परेचर देख लेना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये वाला लाइन ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले ये लाइन इंपॉर्टेंट है न्यूट्रल फिल्म के लिए, ठीक है। चलो, पीतल शीट को गैस वेल्डिंग करने के लिए किस प्रकार के फ्लेम का चुनाव किया जाना चाहिए? ठीक है, पीतल वेल्डिंग के लिए किसका? ऑक्सीडाइजिंग का। किसका? ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम का करना चाहिए। अभी देख लो यहाँ पे, ये इसका टेम्परेचर है ऑक्सीडाइजिंग का, और ये इसका इसका इम्पोर्टेंट कौन सा? इसका रंग नीला होता है, ये इम्पोर्टेंट लाइन है, ये इम्पोर्टेंट लाइन है, ठीक है। दो इम्पोर्टेंट लाइन है इसमें, और ये तीसरा इम्पोर्टेंट भी है, ये भी थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर मेट्री मेटल के बारे में पूछा तो ये आपको पढ़ लेना, तीनों के बारे में बता देता हूँ, ठीक है। इसका रंग नीला होता है तथा इससे यह जलते समय शोर करती है। ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम कैसे करती है? ऐसे आवाज़ें आएंगी, ठीक है, उसमें से आवाज़ें आएंगी, क्योंकि ऑक्सीजन की मात्रा क्या है वहाँ पर स्पीड में ज़्यादा है, ठीक है। इसका तापक्रम क्रम कितना होता है? देखो मैंने बताया था इसका तापक्रम क्या होता है 3100 होता है ऐसे, लेकिन यहाँ पे कहीं कहीं जो एग्जामिनर जो आंसर सेट करता है वो अलग अलग तरह से करता है। इसका तापक्रम यहाँ पे दिया है, लेकिन ये ऑक्सीडाइजिंग का नहीं, कार्बोराइजिंग का 3100 से 3300 जो होता है ये हमारा नॉर्मल होता है। तो ये अगर यहाँ से स्टार्ट कर रहा है तो कैसे बोल सकते हैं? नहीं, ये थोड़ा यहाँ पे डाउटफुल से, ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग में नहीं कार्बोराइजिंग होगा ये, ठीक है। फ्लेम है, कोई कम ज़्यादा होता है, क्योंकि यहाँ पे मेटल पिघलाना है, तो ये एग्जामिनर को के ऊपर डिपेंड है, और जो क्वेश्चन बनाता है उसके ऊपर भी डिपेंड है, और जो कोई और एक तो जो राइटर जो जहाँ से ये बुक्स लिया गया है, बुक से क्वेश्चन बनाया है, ठीक है, लिया है, तो वहाँ से भी वो होता है मैनेज, ठीक है, उसका कोई ये नहीं है, आप लोगों को नॉर्मली ध्यान में रखना है। इस प्रकार के फ्लेम का उपयोग ब्रॉस वेल्डिंग, ठीक है, ब्रॉस की वेल्डिंग तथा लो धातुओं के ब्रेजिंग के लिए। ब्रेजिंग मतलब क्या होता है? तो आप लोगों को मैं पहले लेसन में समझा चुका हूँ, प्लस ITI के जो क्लासेस हुए उसमें भी समझा चुका हूँ, ठीक है, ब्रेजिंग किसको कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, शिल्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग विधि में बीड की चौड़ाई तथा ऊंचाई अधिक होगा, ठीक है, किसमें होगा भैया? वेल्डिंग की गति घट जाती है, जिसमें वेल्डिंग की गति जिसमें घट जाती है उसमें क्या होगा? होगा बीड की चौड़ाई अधिक हो जाएगी और ऊंचाई अधिक हो जाएगी। जब हम वेल्डिंग की गति को कम कर देंगे तो क्या होगा? मटेरियल वहाँ पे क्या होता है? जमा होने लगता है, ठीक है ना, जैसे इलेक्ट्रोड वगैरह का जो फिलर रॉड का है उसमें क्या होगा? मटेरियल जमा हो जाएगा, तो क्या होगा? स्पीड का वहाँ पे जम जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फेरस और नॉन फेरस धातुओं को वेल्ड करने के लिए किस गैस मिश्रण की आवश्यकता होती है? फेरस और नॉन फेरस के लिए क्या होती है? ऑक्सीस्टीन की, क्योंकि फ्लेम की आवश्यकता होती है, ठीक है। यह है सेम टू सेम क्वेश्चन, वही है, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोगों का आंसर बता चुका हूँ। किसी ऑक्सीस्टीन लॉ में दूसरा कंबशन दहन कहाँ पर होता है? भैया कॉम्बिनेशन का दहन क्या है? दूसरा ऑक्सीस्टीन कहाँ पे होगा? लोह के बाहरी हिस्से में। कहाँ होगा? जो हमारा लोह का जो बाहरी हिस्सा है लोह का, ठीक है, ये जो है ना ऑक्सीस्टीन जो न्यूट्रल फिल्म का, तो ये इसमें भी दहन हो रहा है ना, दूसरा कम्युनिकेशन, इसमें भी क्या हो रहा है? ऑक्सीस्टीन का दहन हो रहा है। यहाँ तो हो ही रहा, हमें इसका ही उपयोग करना है, लेकिन यहाँ पर भी हमारा क्या हो रहा है? दहन हो रहा है, दहन मतलब खर्चा, ठीक है। देखो इनर कोन का टेम्परेचर बता रहा है इतना से इतना, ठीक है,
और बाहरी कोण का इतना बता रहा है, और ये बाहरी मध्य कोण बाहरी कोण, ठीक है। इसमें भी क्या होता है देखो, सबसे कम यहाँ पे हो रहा है ना बाहरी कोण में, तो ये हमारा टेम्परेचर के हिसाब से जो कोण होता है उसकी उसकी बात हो रही है, ठीक है। ये आप लोगों को ध्यान में देख लेना है, ठीक है। ऑक्सीएसिटिलीन प्रक्रिया द्वारा ब्रॉज शीट को वेल्ड करने के लिए किस प्रकार की लौ चयन करना चाहिए, किस प्रकार का ऑक्सीकरण लौ, ब्रॉज जो होता है उसको ऑक्सीकरण लौ से का उपयोग किया जाता है, ठीक है। ये हमारा ऑक्सीकरण लौ हो गया, इसमें त्रिकोण का आकार का है, और ये हमारा ऑक्सीकरण क्या करता है, इसका फ्लेम बाहरी आवाज़ भी एक तरह से ये आवाज़ भी करती है, और ऑक्सीकरण फ्लेम इस प्रकार की होती है, आप लोगों को ध्यान में रखना है, ठीक है। और कार्बोराइजिंग ऑक्सीराइजिंग न्यूट्रल फ्लेम का हर एक का डायग्राम आप लोगों को एक दो बार ट्राई कर लेना है, इससे आप लोगों को पकड़ में आ जाएगा, ठीक है। और हाँ, इनर कोन अगर ये दिखाएगा और फ्लेम अगर ऐसा रहेगा तो ये वेल्डिंग होता है, ठीक है। ये फैल के है तो ऑक्सीकरण है, ठीक है। इनर कोन त्रिभुज रहेगा और अगर फ्लेम उसका इस प्रकार से आता है तो ये हमारा वेल्डिंग का है, ठीक है, कटिंग का नहीं। कटिंग और वेल्डिंग न्यूट्रल में ऐसे देख ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए स्टील नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टील तथा निकेल एलॉय के लिए कौन सी गैस का मिश्रण उपयोग में लाया जाता है, कौन सा लाया जाता है, ऑर्गन हाइड्रोजन, कौन सा ऑर्गन और हाइड्रोजन लाया जाता है, किसमें, स्टील और निकेल एलॉय के लिए, ठीक है। ये देखो यहाँ पे आप लोगों को लिख के दे दिया गया है, स्टील और निकेल एलॉय के लिए ऑर्गन हाइड्रोजन गैस का मिश्रण उपयोग में लाया जाता है, ठीक है। आज के लिए हम 25 क्वेश्चन यहीं पर रुकते हैं, नेक्स्ट इस लेसन का 25 क्वेश्चन आप लोगों के लिए नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे बहुत जल्द, और आप लोगों का क्वेश्चन के ऊपर फोकस ज़्यादा करना, जो क्वेश्चन बार बार रिपीट हुए हैं उस क्वेश्चन पे बार बार आप लोगों को ध्यान रखना, क्योंकि यही क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे जाते हैं जो कॉमन क्वेश्चन होते हैं। उसके बाद पहला और दूसरा जो वीडियोज है, अगर पहली बार आए हैं तो आप लोगों को वो भी देखना है, क्योंकि उसमें जो थेरेटिकल आप लोग समझाया गया वही मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, और MCQ तो वहीं से बनते हैं, ठीक है। वो आपका क्लियर हो गया तो यहीं से MCQ बनते हैं, और सभी को बेस्ट ऑफ लक रहेगा मेरे तरफ से, क्योंकि कंपटीशन का है, और जैसे जैसे रिक्वायरमेंट्स आता है आप लोगों को फॉर्म अप्लाई करते रहना है और तैयारी कंटिन्यू चालू रखना है। ऐसा नहीं कि फॉर्म आएगा तब तैयारी करेंगे, ऐसा नहीं, आप लोगों को कंटिन्यू में तैयारी करते रहना है। अगर हमारा वीडियो अगर जिस दिन नहीं आता उस दिन पुराना वीडियो भी आप लोग देखिए, उससे क्या होगा आप लोगों का हैबिट बना रहेगा, और जो क्वेश्चन आप लोगों का बार बार रिपीट होगा वो परफेक्टली याद हो जाएगा। कंपटीशन इतना बढ़ गया है कि आपको पछाड़ने के लिए एक से एक लड़के तैयार हैं, तो आप लोग भी ऐसा मेहनत करिए कि हम भी उनको पछाड़ने की कोशिश करें, क्योंकि क्वेश्चन कहीं और से नहीं बनता है, सिलेबस से ही बनता है और लेसन से ही बनता है, और सारे क्वेश्चन मैं आप लोगों के बीच लेके आऊँगा, और आप लोगों का प्यार मुझे चाहिए और मेरा प्यार आप लोगों के साथ है। और ये CSTL लॉन्चपैड चैनल पे ही ओनली कंपटीशन के क्लासेस चलेंगे, और ओपन माइंड गुरुजी चैनल पे केवल ITI का, तो यहाँ पे भी आप लोगों के लिए 500-600 क्वेश्चन के वीडियो ऑलरेडी बन के, वो भी आप लोगों को बहुत बेहतरीन तरीके से मैंने उसको भी समझाया है, और वो भी क्वेश्चन आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्या वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको भी आप लोगों को एक बार वीडियो को दो बार देखना जरूरी है, ठीक है। अच्छा लगा हो तो लाइक करना है, और अपने दोस्तों को भी सब्सक्राइब होकर के लिए बताइए, उससे क्या होगा उनको भी नोटिफिकेशन आएगा, शेयर भी करिए, ठीक है। आज के लिए हम इतने ही रुकते हैं, धन्यवाद।